हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके जीवन की एक उम्मीद है। यहाँ छोटे बड़े सब एक जैसे हैं। किसी भी धर्म के आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए, अपने जीवन की उन्नति और तरक्की के लिए, अपने दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए, ऋण कर्जों से दुर्भाग्य से मुक्ति हेतु और जीवन में आपका जीवन प्रकाशमय हो, आप इसके लिए माँ देवी अपराजिता के चरणों में अर्जी लगाकर अपने जीवन को अवश्य बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको समर्पित है और ये लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अभी आप टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल पर जो भी अपने नंबर, हमारे नंबर आप अपने मोबाइल पर या टीवी पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे कॉल करके आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे सभी यूट्यूब के दर्शक, उनको जानकारी दे दूँ कि यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए और हमारे सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाके इस लाइव प्रोग्राम का आनंद लें। कार्यक्रम में आपको बहुत से भक्ति भजन और हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इस कार्यक्रम को, हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आइए प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। सुमित जी नाम है हमारा गुरु जी। सुमित बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? पटना से बात कर रहे हैं गुरु जी। कितने वर्ष के हो आप? 40 साल के गुरु जी। बेटा, 1 से लेके 36 के मध्य कोई भी एक अंक बोलिए। 16 नंबर गुरु जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। हमारा माँ का नाम जो है ना, गौरी झा है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा एक तो घर में आपके सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है बेटा। बिल्कुल नहीं है गुरु जी। मेरी माँ और मेरे भाई का जो घरवाली है ना, उसके बीच में बहुत झगड़ा रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता है, घर का माहौल पूरा बर्बाद हो गया, कलेश करते रहता है, सुख शांति भंग हो गया, खत्म हो गया मेरा घर गुरु जी। और एक बात और बोल दूं बेटा आपको, आपके घर में तंत्र टोटका भी चला हुआ है। जी गुरु जी। जिसके कारण बेटा बिल्कुल भी आपके घर में सुख चैन बिल्कुल भी नहीं है बेटा, और बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। आपका तो मन भी नहीं करता होगा घर में जाऊं गुरु जी। कभी कभी लगता है घर छोड़ कर चले जाए, अपने आप को खत्म कर ले। इतना घर में कलेश होता है, झगड़ा होता है। आप बेटा घर के पश्चिम दिशा में रोजाना सुबह शाम लाल वट के तेल का बेटा दीपक बेटा जलाना शुरू कर दीजिए। लाल वट जो होता है, रुद्राक्ष का तेल होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस लाल वट का तेल कहाँ मिलेगा गुरु जी, कैसे हम लेंगे? बेटा उससे, उसके लिए आप आश्रम से संपर्क कर सकते हो, आपको भेज दिया जाएगा। दूसरा बेटा, अपनी माता जी को बोलना कि रोजाना बेटा एक रोटी बनाया करें, उस रोटी के ऊपर 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच मलाई रखकर उसको कौओं को खिलाना शुरू कर दें। कितने दिन गुरु जी? करते रहें बेटा, ये रेगुलर उपाय है। और बुधवार के दिन आपकी माता जी को एक काले रंग का कंबल दान करना है। कौन सा दिन गुरु जी? बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार के। ठीक है जी। और दूसरा बेटा एक चीज और करनी है आपकी माता जी को, आपके घर की बेटा जो रसोई है ना बेटा, जी गुरु जी, उस घर की रसोई में, आपके घर की रसोई में, रसोई की दक्षिण की दीवार पर एक लाल रंग का 0 वाट का बेटा बल्ब लगाना है। वो बल्ब बेटा 24 घंटे जलता रहना चाहिए। ये उपाय बेटा एक बार आप करके देखिए,
इससे आपके घर में अवश्य सुख शांति आएगी। और थोड़ा बेटा आप एक विशेष उपाय किया करो, जौ होते हैं ना बेटा, जौ जी गुरुजी, थोड़े से बेटा जौ लेकर रोजाना बेटा अपने हाथ से बेटा आप कबूतरों को पक्षियों को डाल दिया करो। कितना दिन देना पड़ेगा गुरुजी? बेटा ये करते रहो बेटा, ये थोड़े तो ये तो परोपकार के दिनचर्या के काम है बेटा। अगर इस उपाय को अपने जीवन का एक नियम और एक हिस्सा बना लोगे दिनचर्या के अंदर, तो जीवन में किसी भी कलेश का सामना बेटा आपको नहीं करना पड़ेगा। आप ये उपाय करिए, मेरी तरफ से आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से तीन बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में किसी भी कारण से कला कलेश रहता है और बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु शनि केतु या मंगल का प्रभाव अवश्य है। जब भी चतुर्थ भाव को मंगल और शनि जैसे ग्रह देखें, दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आए, या फिर दो क्रूर या पाप ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पर पड़ जाए, तो ऐसी अवस्था में उस घर के अंदर सुख चैन बिल्कुल भी नहीं होता और उस घर के अंदर बहुत ही अशांति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति को भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। हर शनिवार को भैरव मंदिर में जाके एक सरसों के तेल का बड़ा दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक में थोड़ा सात प्रकार का अनाज डालना चाहिए और एक जटा वाला नारियल, काले रंग का धागा बांधकर उस पर उसको शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद भैरव जी के मंदिर में अर्पण करना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना नाम बताओ। माता जी अपना बेटा नाम बोलिए। मारा कविता पांडे। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? हम बस्ती से बोल रहे हैं, यूपी से। कितने वर्ष के हो आप बेटा? हेलो कहो इमर। बेटा कितने वर्ष के हो आप? हमको लड़कों को दिखाना है। बच्चे को दिखाना है बेटा? हाँ हाँ, 11 साल का। हाँ। बच्चे का नाम बताइए। देव पांडे। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम हरिओम। जिद्दी प्रवृत्ति का ये बच्चा है, दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन बेटा टीवी पिक्चर मोबाइल पर ध्यान ज्यादा रहेगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाता है। और आगे आगे बेटा इसकी पढ़ाई में और बाधा दिखाई दे रही है। इसको बेटा बुध और केतु का दोष है। क्या दोष है? बुध और केतु ग्रह का दोष है बेटा। एक तो बेटा रोजाना बच्चे के हाथ दूध में से डुबो कर निकाले, वो दूध कुत्ते को पिलाना शुरू कर दीजिए। कुत्तों को? हाँ। और दूसरा बेटा एक शुद्ध पन्ना रतन बुधवार को सूर्योदय काल में बेटा एक पन्ना रतन इस बच्चे को गले में धारण करवाना है। और बुधवार के दिन ही बेटा एक स्लेटी रंग का कंबल लेना है और बच्चे के सिर से सात बार वार के किसी गरीब पुरुष को, किसी मांगने वाले को, किसी सफाई कर्मचारी को बेटा ये आप दान कर सकते हैं। इस बच्चे को केतु और बुध का दोष है बेटा, उसके लिए बेटा किसी योग्य विद्वान से बुध और केतु की शांति करवाएं। जिस बेड पर बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर ये कभी भी खाना ना खाए। रात को घर में रसोई बेटा बिल्कुल साफ करके सोया करो। इन बातों का बेटा पालन करना है, आपका बच्चा पढ़ाई में कामयाब हो जाएगा। और फिर भी बेटा कोई कसर रह जाए तो इसका बेटा बुधवार के दिन इसका एक बायां कान बेटा छिदवा देना, उसमें कोई चांदी की बेटा तार डलवा देना बेटा, या चांदी की कोई पिन डलवा देना। ऐसा करने से यह बच्चा पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएगा और इसका भविष्य भी सुरक्षित और सुंदर बन जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं।
प्रिय दर्शकों, यदि आपका बच्चा पढ़ाई पे मन नहीं लगा रहा है, उसका मन लगता ही नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लें, उसके लिए ट्यूशन लगवा लें, कितना भी उस पर दबाव डाल लें, लेकिन वो बच्चा चंचल प्रवृत्ति का है, तो अपने घर की रसोई की जो पश्चिम का कोना है, वहाँ पर एक सरस्वती माता की एक फोटो, तस्वीर, चित्र वहाँ पर रख दीजिए, वहाँ लगा दीजिए। इसके अलावा थोड़े से साबुत मूंग रात को पानी में भिगो के रखें और सुबह वह मूंग बच्चे के हाथ से कबूतरों को, पक्षियों को डाल लें। बुधवार के दिन एक हरी साड़ी बच्चे के हाथ से किसी किन्नर को दान करवा दें और उसका बच्चे का बायां कान जो है वो छिदवा दें। एक कान छिदवाना है, दोनों कान नहीं छिदवाने, बाएं कान को छिदवाकर उसके अंदर एक चांदी की तार या पिन डलवा दीजिए। ऐसा करने से लाभ होगा। और यदि आपके बच्चे जिस बेड पर सोते हैं उसी बेड पर ही बैठकर खाना खाते हैं, तो इससे उनका दुर्भाग्य बढ़ जाता है, उनके मन की अस्थिरता, चंचलता विकराल रूप ले लेती है और ऐसे बच्चे चाहकर भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इन बातों का विशेष पालन करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। गुरुजी हमारा नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी कहाँ से बात कर रहे हो? इंदौर से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष की हो बेटा? 38 साल की। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। ओमवती देवी। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा जीवन में बिल्कुल भी सुख चैन नहीं है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और भय का वातावरण दिखाई देता है, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है। आपके घर के अंदर पितृदोष है, प्रेत बाधा है, राहु का प्रभाव है बेटा। गुप्त शत्रुओं से हानि होगी, घर में तंत्र बाधा भी चलेगी आपके बेटा। बेटा भी है आपका? क्या उसका भी स्वास्थ्य खराब रहता है? बच्चा रोता ज्यादा है या घर में चुपचाप रहता है? बिल्कुल बेटा बहुत बीमार रहता है बेटा। बेटा घर में कुछ तंत्र बाधा भी दिखाई देती है आपके। अच्छा, उसका बेटा आप निवारण करिए बेटा। एक तो बेटा घर में सुबह शाम घर के पश्चिम दिशा में लाल वटके तेल का बेटा दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा तीन रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनानी है, नमक, चीनी और घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। ये अपना बेटा नियम बना लो। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में बेटा दो चुटकी काले तिल और एक चम्मच कच्चा दूध डालकर स्नान किया करो। पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, वहाँ से आपको लोबान लेकर आना है। घर में लेके आना बेटा लोबान का एक टुकड़ा और उसको बेटा एक 250 ग्राम सरसों के तेल को बेटा आपने गैस पर उबालना है। जब तेल उबल जाए तो उबलते तेल में गैस को बंद करके उसके अंदर लोबान डाल देना। थोड़ी देर में लोबान पूरा घुल जाएगा। उस घोल वाले तेल को, लोबान वाले तेल को किसी बेटा शीशी डिब्बी में डाल के रख दो। उसका एक दीपक बेटा रात्रि काल में घर में जलाना। इससे सर्व तंत्र बाधा, ग्रह बाधा, पितृ बाधा, प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है और घर का जो वातावरण है बड़ा खुशनुमा और सुरक्षित हो जाता है। ये उपाय करें। और बेटा एक लहसुनिया रतन बेटा आपको और आपके बच्चे को दोनों को धारण करना है, काले रंग के धागे में, बुधवार को सूर्यास्त के बाद। बजरंग बाण का बेटा रोजाना पाठ किया करो। और काले कपड़े, नीले कपड़े बिल्कुल भी आप लोगों ने घर पर इस्तेमाल नहीं करने ना पहनने। ये उपाय करिए बेटा, जीवन सुखमय अवश्य हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से तीन बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण। प्रिय दर्शकों, जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा राहु से पीड़ित हो या किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य राहु चंद्रमा की युति बन जाए,
या जन्म लगन में राहु हो, या सप्तम भाव में राहु हो, या आठवें घर में राहु या केतु की स्थिति बन जाए, तो ऐसे घरों के अंदर गुप्त शत्रु के द्वारा तंत्र टोटके का एक योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं का और शत्रुओं की तंत्र बाधा का भी जीवन में बार बार सामना करना पड़ता है। तो लोबान और सरसों के तेल का एक आप घोल बना के रख लीजिए, उसका दीपक आप संध्या काल में सूर्यास्त के बाद रात्रि में घर में जलाएं, इससे आपको सर्वतंत्र बाधा से मुक्ति मिलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम गुरु जी। जी आपका बेटा कल्याण हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरु जी मेरा नाम मच्छलाल पंडित है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बेंगलोर से मैं बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 33 वर्ष का हूँ मैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। नयनपति देवी। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा काफी प्रतिभावान धार्मिक अध्यात्मिक व्यक्ति हो, और आपके जीवन में राजयोग भी हैं, सुख संपन्नता के योग हैं, मकान भूमि धन के अच्छे योग हैं, लेकिन बेटा आपके जीवन में पैसे की बरकत नहीं है। ये बताओ बेटा, पैसा व्यर्थ में, नुकसान में, हानि में जाता है बेटा? बहुत ज्यादा गुरु जी। पैसा आता तो बहुत होगा, लेकिन उस प्रकार से पैसा घर में रुकता नहीं है बेटा, ऐसा ही हो रहा है जी गुरु जी। कोई बात नहीं बेटा, कुछ आपको विशेष उपाय दिया जा रहा है बेटा, उन उपायों को आप अवश्य कर लेना, आपके घर में बरकत भी आएगी, इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाएगी। एक तो बेटा आपको एक लाल रंग की फिटकड़ी बेटा बाजार से लेकर आनी है, फिटकड़ी का टुकड़ा लेके आना है, उसमें गुलाबी या लाल रंग का फिटकड़ी आपको मिल जाए, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में, चमकदार लाल कपड़े में बांध के शुक्रवार को घर के धन स्थान पर रखें। इसके अलावा बेटा गौ सेवा शुरू कर दीजिए, जितनी जीवन में गौ सेवा करेंगे उतना जीवन में घर के अंदर धन की स्थिरता होगी, बरकत होगी, पैसा नुकसान बीमारी हानि में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना और सूर्यकांत मणि रत्न, ये दो रत्न आपको हमेशा अपने गले में धारण करके रखने हैं, इससे जीवन सुरक्षित रहेगा और सभी प्रकार के भय से, दुर्घटना से, बीमारियों से सुरक्षित रहोगे। आने वाले 2 साल में बेटा थोड़ा शरीर कष्ट और दुर्घटना का योग है आपके जीवन में, उसके लिए बेटा थोड़ा सा आप शनि और राहु की शांति अवश्य करवा लेना, और अपने पर्स की जेब में एक तांबे का सिक्का बेटा अवश्य रखा करो। ऐसा करिए, देवी देवताओं में हनुमान जी की बेटा पूजा अवश्य करें, जिससे जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में धन स्थान पर केतु राहु विराजमान है, या आपके धन का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें घर में मौजूद है, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपके घर में कभी भी धन की बरकत नहीं हो पाएगी। पैसा आएगा चाहे कितना, लेकिन पैसा आपके घर में रुक नहीं पाएगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए। ऐसा व्यक्ति अनावश्यक खर्च से दुखी और पीड़ित रहता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी रंजीत। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मंगोलपुरी दिल्ली से। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। सोमवती गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहिए।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। रोजगार में बेटा बाधा है, जितना मेहनत प्रयास करते हो बिजनेस व्यापार में उतनी तरक्की लाभ नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा है पिछले काफी समय से। जी गुरुजी। कर्ज भी हो गया होगा बेटा। जी गुरुजी। जी कोई मैकेनिकल काम करते हो बेटा आप? जी गुरुजी, ऑटो बाइक की सर्विस की दुकान है गुरुजी। और गुरुजी पहले अच्छा ये बताओ, नौकर नुकसान करते हैं, धोखा देते हैं नौकर? हाँ गुरुजी, पहले 6 लड़के थे काम करते थे, फिर अब 2 साल से तो काम ही कम हो गया बिल्कुल, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। एक तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब आप व्यापार करते हो मैकेनिकल लोहे से संबंधित काम कर रहे हो तो पश्चिम दिशा की तरफ बैठकर अपना काम किया करो, यानी जहाँ अपनी दुकान में जब बैठते हो लोगों से डील करते हो तो आपका फेस जो है वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, और अपनी दुकान के पश्चिम दिशा में संध्या काल में आप लाल वट के तेल का या सरसों के तेल का दीपक नित्य दिन जलाना शुरू कर दीजिए। जीवन में कभी बेटा नशा नहीं करना बेटा, नशा करते हो कभी कभी? कभी-कभी। सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी, पान बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना, ना तो शराब पीनी है ना पिलानी है बेटा, शनि का राजयोग है आपका, लेकिन आप यदि दूसरों को शराब पिलाओगे या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नशे का सेवन करोगे तो आपके जीवन में कभी भी बरकत नहीं आ पाएगी। नौकर आपके पास टिक के काम करें जिससे आपका रोजगार व्यापार बढ़े, तो बुधवार के दिन एक सलेटी या काला कंबल किसी मांगने वाले को दान करना है आपने, और रोजाना रात्रि के समय कुत्ते को दूध पिलाएं और एक नीलम रतन अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली बेटा अवश्य धारण करिए। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका अवश्य ही कल्याण हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम। प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में राहु या केतु का प्रभाव होता है ऐसे व्यक्ति को कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, पान बीड़ी तंबाकू नशा या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में राहु केतु अपने अति अशुभ फल प्रदान करते हैं और ऐसे व्यक्ति का रोजगार ठप हो जाता है और उसके जीवन में पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं हो पाती। ऐसी अवस्था के अंदर आपको कुत्ते को रोज दूध पिलाना है, और जो लोग व्यक्ति शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, चाहे वो ऑटो का काम हो, चाहे ऑटो मैकेनिकल काम हो, चाहे पुर्जों का काम हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स का काम हो, या लोहे से संबंधित कोई भी लेन देन करते हैं आप, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में कभी किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलानी चाहिए। इस बात का बड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये शनि से संबंधित व्यापार है। ऐसे व्यक्ति यदि शनि से संबंधित दान भी कर दें या लोगों को शराब बांट दें, कॉकटेल पार्टी कर दें, तो उनका चला चलाया कारोबार बिल्कुल ठप हो जाता है, उनके जीवन में कभी भी कोई बरकत नहीं होती। उपाय इन बातों का ध्यान करते हुए करें तो जिससे आपको लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुमन है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम डेरी और सम बिहार से बोल रहे हैं, इधर गांव पड़ता है एक दरिया, तो वहीं से हैं। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 42 वर्ष उम्र है हमारी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। स्वर्गीय तारा मुनि देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा आपके घर में बड़ी नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र का बेटा प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण बेटा घर में कोई ना कोई बाधा लगी रहेगी, परेशानी लगी रहेगी, पैसा बीमारी पर जाएगा और बेटा काम नहीं बन पाएंगे अभी बेटा। बहुत परेशानी है गुरुजी। हाँ, और बेटा ध्यान रखना, आपको आने वाले दिनों में
चलने फिरने में भी दिक्कत आएगी, पैरों में, कमर में, टांगों में, शरीर में दर्द होगा, और आगे आगे बेटा बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद रहेगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना। आपको आपको बेटा करना क्या है, रोजाना बेटा एक रोटी पर गुड़ रख कर बेटा वो गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। घर में तंत्र बाधा है बेटा, लाल वटके तेल का बेटा दीपक आपको घर में रोज जलाना है। इसके अलावा शत्रुओं के नाश के लिए अपराजिता देवी स्तोत्र का घर में रोज पाठ पढ़ें या सुनें, और केतु की बेटा और मंगल की बेटा आपको शांति इस वर्ष और आने वाले वर्ष के लिए बेटा आपको अवश्य करवानी है। दो वर्ष बेटा अभी और भारी हैं, मंगल और केतु की बेटा शांति करवाएं। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करें, और तांबे का चम्मच बेटा आप जब खाना खाते हो सुबह दोपहर या रात को, खाने की थाली में तांबे का चम्मच बनवा लें, और उसको तांबे के चम्मच को खाने में आपने इस्तेमाल करना है, यानी उससे खाना खाना है। जब भी आप चम्मच यूज़ करते हैं तो तांबे का चम्मच ही यूज़ किया करो। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन अच्छा और सुखी हो जाएगा। एक शुद्ध पुखराज रत्न बेटा आपको अपने गले में हमेशा पहन के रखना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। हमारे सोने से भी हमारे सुख और दुख बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर सिर के करके सोता है, उसके जीवन में संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोता है, ऐसा व्यक्ति चिंता से और धन हानि से और घर में बरकत के ना होने से हमेशा परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से भी भयभीत और पीड़ित रहता है। जो व्यक्ति उत्तर की तरफ सिर करके सोता है, इससे आयु और स्वास्थ्य की हानि होती है, आयु में कमी आती है। ऐसे व्यक्ति का पैसा बीमारी पर, कर्ज और ब्याज पर जाता है। जो व्यक्ति दक्षिण में सिर करके सोता है, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु और जीवन में धन और संपत्ति की प्राप्ति करता है। तो सोने का बड़ा खास ध्यान रखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। मोना देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी अहमदाबाद से। कितने वर्ष की हो बेटा आप? 38 वर्ष की हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रूपवती। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। घर में कला कलेश ज्यादा है, जीवन में यश नहीं मिलता, किसी के लिए अच्छा करते हो बुराई मिलती है, और कुछ पति के आचरण और व्यवहार के लिए भी काफी परेशान रहते होगे बेटा। पति परेशान करते हैं? जी गुरुजी, बहुत परेशान करते हैं, शराब पी के बहुत परेशान करते हैं। क्या नाम है बेटा आपके पति का? सतीश नाम है। कितने वर्ष के हैं आपके पति? 47 वर्ष के। उनकी बेटा माँ का नाम बताएं। रूपवती। तीन बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। गुरुजी पिछले बेटा 3-4 वर्षों से शराब ज्यादा पीने लगे होंगे ये? जी गुरुजी,
जी, संगत गलत है, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों का इनके ऊपर प्रभाव है जिसके कारण ये नशे की तरफ भाग रहे हैं। जी, तो इसके लिए बेटा एक तो एक काम किया करो बेटा, आप गुरुवार को घर में कपड़े धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर पे कपड़े नहीं धोने, गुरुवार को सिर पे साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना। रविवार के दिन घर पे आप अपने सर पे, माफ करना, तेल कभी मत लगाना बेटा रविवार के दिन, ठीक है बेटा? जी 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 गुरु जी, जी। आपको बेटा जौ, आपको कबूतरों को रोज खिलाने हैं बेटा, जौ ले लिया करें, पति का हाथ लगवा लिया करें, रोज उसको कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। और जी, किसी जी, भी जी। बेटा बुधवार के दिन 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम बेटा आपको क्या कहते हैं गेहूं लेनी है, काले कपड़े में बांध के उसे बेटा बुधवार को दोपहर के बाद 4 और 5 बजे के बीच में उसको जल प्रवाह कर दीजिए। एक पुखराज रत्न बेटा आपको अवश्य धारण करना है। इसके अलावा बेटा जिस कमरे में आपके पति सोते हैं उस कमरे के अंदर एक तांबे की नई लुटिया में बेटा थोड़ा शहद भरकर लाल कपड़े से उसका मुख बांध कर जिस कमरे में सोते हो उसको बेड के नीचे बेटा कहीं छुपा के रख देना। धीरे धीरे बहुत ही शुभ प्रभाव आपके पति पर अवश्य आएगा। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन सुखी हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरि ओम बोलो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, उस व्यक्ति के ऊपर निश्चित रूप से शनि, राहु और मंगल का प्रभाव अधिक होता है उसके लगन या लग्नेश के ऊपर या चंद्रमा या सूर्य पर। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा नशा करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे व्यक्ति को शनि, मंगल और राहु की शांति हमेशा करवानी चाहिए। इन तीनों ग्रहों का मेल, आपस में संबंध आपको शराबी और नशेड़ी तक बना देता है। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हेलो बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जम्मू से। एक बार आपसे भी मिलाई थी पत्रिका, तब द्वारा काम हो गए जी। बेटा कितने वर्ष के हो आप? अपना पूरा नाम बताएं। बंसीलाल। अपनी माँ का नाम बोलिए। जननी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। हरि ओम, हरि ओम। फोन पर बेटा बने रहिएगा। घर में बेटा बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है, किसी गुप्त शत्रु के द्वारा बेटा आपके घर में प्रक्रिया और तंत्र बाधा प्रक्रिया चल रही, जिसके कारण कुछ ना कुछ परेशानी घर में लगी रहेगी, काम नहीं हो पाएंगे, बरकत नहीं हो पाएगी, बच्चों के काम में अड़चने आएंगी। बेटा बच्चों के काम नहीं बन रहे अभी। जी जी। क्या नाम है बेटा आपके बच्चों का? उसका नाम है चंद्र वर्मा। बड़े की शादी नहीं हो रही है। बेटी भी है बेटा? नहीं, 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं जी। एक काम करना बेटा, जिस बच्चे का आप विवाह चाहते हैं उसके लिए एक विशेष उपाय करना है। आने वाले शुक्रवार से 43 दिन लगातार उसको माथे पर सफेद चंदन और दही का तिलक लगाना है। सुबह जब वो बच्चा स्नान करता है तो जल के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान करना है। चांदी का एक चकोट, हाँ चांदी का एक चकोट टुकड़ा बनवाकर उसको हमेशा जेब में, पर्स में रखना है। इसके अलावा बेटा थोड़ा घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, केतु से पीड़ित तो, तंत्र बाधा से पीड़ित तो बेटा उसकी योग्य विद्वान से शांति करवाएं। और बच्चे को 1.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रत्न बेटा धारण करना है।
घर में बेटा एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना, आपके घर में रात को सोने से पहले रसोई बिल्कुल साफ होनी चाहिए। रसोई में किसी प्रकार का कूड़ा या जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल रसोई को, गैस को, चूल्हे को पूरा साफ करके घर में सोना है। आपके घर में सुख शांति बरकत हो जाएगी, आपके घर में देवताओं की कृपा हो जाएगी और बच्चों के काम भी बेटा बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं बेटा। प्रिय दर्शकों, घर की रसोई आपका भविष्य निर्धारित करती है। जिस घर की रसोई रात को बिल्कुल साफ होती है, उस घर में कभी भी पैसे की बरकत में कोई कमी नहीं आती। जिस घर की रसोई बिल्कुल साफ और रात को चमकती दिखाई देती है, ऐसे घर के बच्चों के विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। आप अपने घर में रात को रसोई में जूठे बर्तन छोड़ते हैं, गैस चूल्हा जूठा छोड़ देते हैं, घर में बचा हुआ गीला आटा छोड़ते हैं, ऐसे में घर में प्रेत बाधा और बुरी शक्तियों का वास होता है। ऐसे में बच्चों के काम नहीं बनते, ऐसे घर में बरकत नहीं होती, नुकसान ज़्यादा होता है, कला क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुदेव। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना पूरा नाम बताएं। हाँ गुरुदेव, विकास दुबे नाम है गुरुजी हमारा। विकास दुबे जी कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी गोरखपुर से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष के हो बेटा आप? गुरुजी हमारा 35 साल उम्र हो गया गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्यामा दुबे, श्यामा नाम है गुरुजी, श्यामा। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय गुरुजी, ओम नमः शिवाय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा विवाह का सुख चाहते हो? हाँ गुरुजी बिल्कुल गुरुजी, यही दिक्कत है गुरुजी। बड़ी अड़चन आ रही है बेटा आपके विवाह में। हाँ, कहीं भी बात पक्की नहीं होती बेटा। हाँ, कितनी जगह आप रिश्ते देखे होंगे, बात बनी होगी लेकिन बात नहीं बनी, फाइनल नहीं हुई बेटा। हाँ, ऐसे ही होता है गुरुजी, बिल्कुल बात में खत्म हो जाता है। शुक्रवार के दिन बेटा एक मिट्टी का कसोरा यानी एक मिट्टी का प्याला लेके आना बेटा, उसमें 400 ग्राम कच्चा दूध, 400 ग्राम जौ डालकर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। शुक्रवार के दिन बेटा कोई पानी वाला कुआं ढूंढे जिसमें पानी मौजूद हो, उसमें जाके थोड़ा कच्चा दूध डाल देना। इसके अलावा बेटा सभी प्रकार की बाधाएं जीवन से दूर हो जाएं, काम आपके बन जाएं, रिश्ता आपका पक्का हो जाए, उसके लिए बड़ा एक विशेष उपाय दे रहा हूँ। पूर्णमासी के दिन 1 मीटर बेटा सूती सफ़ेद कपड़ा ले लेना, उसमें 1.25 किलो बिल्कुल साबुत अच्छी क्वालिटी के चावल और 11 रुपए की दक्षिणा बांध कर उसको बेटा सफ़ेद धागे से बांध कर उस पोटली को घर के पूजा के स्थान पर रखना और रोजाना उसको बेटा दूध का तिलक लगाना शुरू कर देना। मात्र 41 दिन के अंदर ही बेटा आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपका रिश्ता भी होगा और बड़ा अच्छी जगह होगा और आपका विवाह भी अतिशीघ्र संपन्न हो जाएगा। जब आपका विवाह हो जाए तो उस पोटली को जाके बेटा मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को दान कर देना बेटा। ये उपाय बेटा करना है कुछ समय तक बेटा, जब तक विवाह नहीं होता तब तक चमड़े के जूते पहनना बंद कर दो, कपड़े के जूते पहनना शुरू कर दो बेटा। ये तो गलती कर रहे हैं। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं बेटा। तीन बार बेटा बड़े प्रेम से हरिओम बोल दो बेटा जी। हरिओम गुरुदेव, हरिओम गुरुदेव, हरिओम गुरुदेव। प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि रोजाना आपको नई नई जानकारी और हमारी नई नई आपको उपाय आपको मिलते रहें। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। जी गुरु जी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ बेटा। जी गुरु जी, सागर कुशवाहा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? से, कितने वर्ष के हो बेटा आप? 46 है। अपना बेटा पूरा नाम बताइए। सागर कुशवाहा।
अपनी माँ का नाम बोलो बेटा। स्वर्गीय श्रीमती राजपति देवी। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा कोई भी काम नहीं बन रहा है, घर में परेशानी है, पैसे की बरकत नहीं है, कर्ज का भी योग बन रहा है आपके ऊपर। जी। एक तो बेटा आपको शनि के उपाय करने हैं बेटा। एक तो साबुत बादाम होते हैं ना बेटा, साबुत बादाम। जी गुरुजी। साबुत बादाम लेने हैं 800 ग्राम, और सूर्यास्त के बाद शनिवार को जाके मंदिर में जाके उसको शिवलिंग पर अर्पण करना है बेटा। चार बुधवार बेटा, चार सूखे नारियल नीले कपड़े में बांधकर सिर से 7 बार उल्टा वार कर बेटा उसको बहते पानी में प्रवाह करें, क्योंकि इस समय बेटा आपके ऊपर राहु केतु का छाया दोष चल रहा है, जिसके कारण मन विचलित है, मन परेशान रहता है, खुशी नहीं है, बरकत नहीं है, कर्जदारी है, और घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। राहु केतु का विसर्जन करवाएं बेटा, और आप एक शुद्ध पन्ना रत्न बेटा अवश्य अपने गले में धारण कर लीजिए। 2024 तक का समय संकट वाला है बेटा। लड़ाई झगड़े से बच के रहना, तंत्र टोटके से बच के रहना, शत्रुओं से कभी नहीं उलझना, कोर्ट कचहरी से बच के रहना, नहीं तो बेटा संकट आपका बढ़ जाएगा। रात का खाना बेटा नीचे हमेशा बैठ के खाया करो। ना तो जीवन में कभी शराब पीनी है, ना किसी को पिलानी है बेटा। इन बातों का ध्यान रखना, आपका कल्याण हो जाएगा। माँ देवी का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो भी नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको दांतों में दर्द रहता है, यानी किसी दांत में कई बार इतना दर्द उठता है कि आदमी की चीख निकल जाती है, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, कोई जवान हो, कोई बच्चा हो, यदि आपको अचानक दांत में दर्द उठ गया और दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या, एक चक्कू लीजिए, थोड़ी सी रुई लीजिए जरा सी, और पीपल के वृक्ष की तरफ जाइए। पीपल के वृक्ष पर खड़े होकर जो पीपल की छाल होती है उसको चक्कू से थोड़ा सा छीलना है, उसमें से आपको दूध निकलेगा। एक आध पत्ता भी तोड़ लो पीपल का, पत्ता तोड़ोगे पत्ते में से भी पीपल का दूध निकलेगा। वो दूध जो है उसको रुई में भिगोकर जहाँ भी जिस दांत के अंदर आपको दर्द हो रही है उसको वहाँ पर फंसा के, और एक मिनट के लिए आपको अपना मुंह और अपने दांत पूरी तरह दबा के रखना है, ताकि वो रुई का जो हिस्सा आपने दांत पे लगाया वो कहीं हिले ना। मात्र एक मिनट के अंदर, यानी 60 सेकंड के अंदर दर्द आपके दांत का बिल्कुल चला जाएगा। और एक मिनट के अंदर अंदर देखना, अगर दांत के अंदर कोई कीड़ा भी लगा हुआ है वो कीड़ा भी निकल कर बाहर आ जाएगा। ये उपाय जिनको दांतों में दर्द रहता है वो व्यक्ति अवश्य करें, इससे बहुत ही विशेष लाभ मिलता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ पर आए दिन घर में पति पत्नी में कला कलेश रहता है, आपस में बनती नहीं है। अभी तो हंस खेल रहे हैं, अभी इकट्ठे खा पी रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, और एक छोटी सी ऐसी विवाद बात ऐसी हो जाती है कि दोनों कुत्तों बिल्लों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे घरों के अंदर एक बात का ध्यान रखना, जो वो घर में रसोई में नमकदानी होती है वो स्टील की होती है, तो कभी भी प्रिय दर्शकों स्टील की नमकदानी में नमक न रखें। इससे शनि और चंद्रमा पर दुष्प्रभाव पड़ता है उस घर के अंदर, और उस घर में पति पत्नी में अचानक कला कलेश हो जाता है। तो घर में जो भी नमकदानी में आपको नमक रखना है, या तो चीनी मिट्टी के बाउल में रखें या शीशे में रखें, स्टील में, लोहे के अंदर कभी भी घर पे नमक ना रखें। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में लाइव प्रोग्राम में फिर से आएंगे। तब तक के लिए माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, और बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम।